क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है, अरे यार अच्छा खासा मौका छोड़ दिया लड़ाई करने का। अगर आज यहाँ लड़ाई हो जाती ना तो डिवोर्स तो पक्का था। जा रहा हूँ ऑफिस। ओके बेटा, ध्यान से जाइए, ठीक है? आयुषी बेटा कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, मुझे पता तो होना चाहिए कहाँ जा रही हो। आज तक मेरे माँ बाप ने मुझसे नहीं पूछा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? और ये सवाल जवाब ना मुझसे मत किया करो। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है खाने में? हम भी तो खा रहे, अच्छा तो बना है। अच्छा तुम इसे अच्छा खाना कहते हो? ऐसा खाना मैं जिंदगी में ना खाऊं। अपनी माँ को बोलो ठीक से खाना बनाया करे, और अगर नहीं बनाया जाता तो तुम ही कोई काम वाली रख लो। वैसे तुम्हारी माँ किसी काम वाली से कम नहीं है, पर मुझे इनके हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जुबान संभाल के बात किया करो। संजू तुझे मारना नहीं चाहिए था, वो पहले ही बहाने ढूंढ रही थी लड़ने के और तूने दे दिया। मुझे नहीं रहना उसके साथ। क्यों, क्या हुआ? आज उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। यार मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ, कहीं दूर चले जाएंगे, पर तुम हो कि आजकल 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 पे लगाया हुआ है। तो मैं शादी वाले दिन आई थी ना तुम्हारे पास, तुम नहीं बोलते उसके पास वापस चली जाओ। यार हम खाली हाथ जाएंगे कहाँ और क्या करेंगे? यार तुम्हें मैंने बोला था कि साथ में कुछ कैश और गोल्ड रख लेना, पर तुम हो कि खाली हाथ आ गई। यार कहीं दूर जाएंगे, कहीं नई शुरुआत करेंगे तो पैसे तो चाहिए होंगे ना, और ऊपर से मैं तुम्हारे पास भी आता हूँ या तुम्हें टच भी करता हूँ तो तुम बस यही बोलती हो कि ये सब शादी के बाद। तो गलत क्या बोलती हूँ मैं? मेरी शादी को 2 महीने हो चुके हैं पर आज तक मैंने उसे टच तक नहीं करने दिया, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो ठीक है, हम शादी करेंगे, पर तुम 5 लाख रुपए लेके मेरे पास आ जाना। 5 लाख रुपए? मेरे पापा ने उसे 4 लाख रुपए दिए थे दहेज में, और कुछ गोल्ड भी दिया था। मैं वो कैसे भी अरेंज करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
तो ठीक है, मैं तुम्हें एक होटल का एड्रेस दूंगा, तो तुम पैसे लेके वहीं आ जाना। ठीक है। आयुषी देखो सुबह से बाहर गई हुई हो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम एक अलमारी की चाबी दोगे। ठीक है, ये लो, ये लो, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो खाना खाने आ जाना, क्योंकि मैंने और माजी ने भी खाना नहीं खाया। माजी ने बोला आज खाना साथ में खाएंगे। तुम लोग खा लो, मैं बाहर से खा कर आई हूं। आयुषी, मुझे और तुम्हारे पापा को पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, पर तुम्हारे पापा ने बता लगाया कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और बहुत सी लड़कियों को वो धोखा दे चुका है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताना चाहा कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, पर तुम पे तो प्यार का भूत सवार था, तुम्हें उससे अच्छा लड़का कोई दिख ही नहीं रहा था। तुम्हारे पापा ने मुझे ये सब बताया और मुझे हाथ जोड़कर रोते हुए बोला कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। उस दिन मैंने सोचा चाहे पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, पर एक दामाद होने का सम्मान मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मैंने दहेज में मिले पैसे अलमारी में रख दिए, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन को खोया था और मेरे बाबा ने मरते हुए मुझे बोला था कि बेटा किसी बेटी के बाप से दहेज मत लेना, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, कहीं भी किसी के भी साथ जा सकती हो। इस डायरी में मैंने तलाक के पेपर भी रखे हुए हैं जिस पर मैंने साइन भी कर दिया। जब तुम्हें लगे कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम भी इस पर साइन कर देना। और मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की, और जो बेटा खुद के सामने अपनी माँ की बेइज्जती सहन कर ले वो क्या ही बेटा। मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, और तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो पर मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। अरे माँ जी, आप ये सब छोड़िए, आप ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। बैठिए इधर।
और आज से सारे घर का काम मैं करूंगी और आप आराम करेंगी, ठीक है? लीजिए मासी खाना। ठीक है बेटा, जीते रहे। आप नहीं खाओगे बेटा? नहीं माँ जी, मैं पहले घर का काम करूंगी फिर खाऊंगी। हेलो संजू, कब तक आओगे? आ जाऊंगा 8 बजे तक। 8 बजे तक नहीं, आज जल्दी आओ, 6 बजे तक। ठीक है, आता हूँ। हाँ ओके। आज इसे क्या हो गया? क्या हुआ, सब ठीक तो? तुमने इतनी जल्दी फोन करके बुलाया, माँ जी ने तो कुछ ही नहीं कहा। सब बिल्कुल ठीक है, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। I love you मेरे प्यारे पति, I love you forever। अब तुम 1 महीने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। पर क्यों? क्योंकि हम 1 महीने के लिए हनीमून पे जा रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया।